बीएमओ दीपक जायसवाल को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक अंकित बिल्ला पिता इंदरलाल निवासी दसौरा तहसील सनावत जिला खरगोन ने दिनांक 13 जून 2022 को लोकायुक्त कार्यालय इंदौर आकर शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। ग्राम आभापुरी स्थित क्लिनिक चलाने के एवज में डॉक्टर दीपक जायसवाल बीएमओ झिन्निया ने 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत पर दिनांक 14 जून 2022 को रिश्वत की मांग की रिकॉर्डिंग संपादित करवाई गई। आज दिनांक 15 जून 2022 को आवेदक से आरोपी डॉक्टर दीपक जायसवाल 4,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। थाना चैनपुर पर कार्यवाही की जा रही है। झिन्निया से सुखदीप भाटे की रिपोर्ट। लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की है सर, तो क्या मामला है, पूरा विस्तार से जानकारी। ये आभापुरी में क्लिनिक चलता है, अभी नया शुरू हुआ है, अंकित बिरला ने शुरू किया है, जो दसौरा गांव का दसौरा का रहने वाला है। उसने शिकायत की थी कि डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये मेरे एरिया में ये चल रहा है क्लिनिक, तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उस बात की शिकायत 13 जून को प्राप्त होने पर 14 तारीख को रिपोर्टिंग कराई गई थी कल, और आज झिन्निया आकर डॉक्टर साहब को, डॉक्टर दीपक जी जायसवाल है, उनको अंकित बिरला से 4,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए पकड़ा गया है सर, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की है। सर शुभ नाम क्या है? विजय चौधरी, इंस्पेक्टर लोकायुक्त। ठीक ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।